कहीं सुना आप लोगों ने, मेरे कोख में चंडेला खानदान का वारिस नहीं है, किसी और का है। जिस बच्चे के आने की खुशी में आप लोग खुशियां मना रहे हैं, वो आप लोगों की उम्मीदों का चिराग नहीं है। अब सच सुनने के बाद तो आप लोग खुशियां नहीं मनाएंगे ना, और सच यही है कि बच्चा ऋषि का नहीं बल्कि किसी और का है। आपको खत्म करने का वक्त आ गया है। मेरे पागलपन का फायदा नहीं जीना है मुझे, नहीं जीना है मुझे। आज ये निडर हिटलर दीदी कमजोर पड़ चुकी है, मैं ऋषि से कैसे आगे मिलाऊंगी? मैंने उन्हें वादा किया था चिकू को इस दुनिया में लाऊंगी, लेकिन अब यह भी मुमकिन नहीं है। आज मैं अपने अंदर पल रहे इस गुनाह के अंश को मार डालूंगी। नहीं जीना मुझे, नहीं जीना। नहीं मम्मी, चीकू को मत मारो, वो मेरा छोटा सा भाई है। हट जाइए यहाँ से। वो पापा का चीकू है, मत मारो। हट जाइए तुम, हट यहाँ से। इंद्रा, क्या करने जा रही थी? जिस चांदनी चौक के हिटलर से पूरी दुनिया इंस्पिरेशन लेती है, वो ऐसा बुजदिलों वाला काम करने जा रही थी? आप नहीं जानती कि सब जानता हूं मैं श्रीमती जी, वही पता करके आया हूं। ये सब ना जारा का किया तरह है, और ऐसा उसने इसलिए किया क्योंकि वो हम दोनों को साथ में खुशी खुशी देख नहीं सकती है। उसने आपकी सोनोग्राफी रिपोर्ट चेंज कराई, उसने पैसे देकर डॉक्टर को खरीदा, ये सब कुछ उसी का किया धरा है। मनगढ़ंत कहानियां बनाई है उसने और आपको सुना दी। सब कुछ भी नहीं है, आपकी कोख में हमारा ही बच्चा है। सारा की बातों में आकर अरे मुझे कुछ नहीं सुनना है, सिर्फ एक ही बात कहनी, आई लव यू। आई लव यू श्रीमती। श्रीमती जी, मेरे दिल में आपके लिए थोड़ा सा भी मैल नहीं, आप पर मेरा विश्वास कभी भी डगमगाया नहीं आज तक, और आगे भी नहीं डगमगाया। और आपकी पवित्रता का सवाल तो उस गुत्थी को आज शाम तक सुलझा दूंगा।
भाई कितने दिनों के बाद मलाई खाने को मिला है। ऋषि भैया, ऋषि भैया, घर के दरवाजे ठीक से बंद करके रखना। जारा जेल से भाग गई है क्या? और उसे इसी तरफ चांदनी चौक में देखा गया है। थैंक्स वनराज, मैं ध्यान रखूंगा इस बात का। अच्छा हुआ तुमने बता दिया, तो थोड़े इस घर में दोबारा कदम भी नहीं रख पाएगी। थैंक यू सो मच। दरवाजा बंद करके जाना। जेल क्या चली गई तो अपने रिश्तेदारों को ही भूल गई। मैं इंदिरा नहीं, जारा हूं, जारा। हाय रब्बा, तू जेल से फिर भाग गई, पर तू जेल से भागी क्यों? तो और क्या करती? भजन और कीर्तन करती वहां पर। तू एक मुजरिम है, और किसी ने अगर मुझे तेरे साथ यहाँ देख लिया तो मैं भी पकड़ी जाऊंगी। अच्छा, आ गई ना औकात पे। एक काम करती हूँ, जाकर सबको बता देती हूँ कि तूने मेरा साथ दिया था। तो मिलकर जेल जाएंगे और मिलकर चक्की भी पीसेंगे। वहां पर ये मलाई खाने को नहीं मिलेगी। नहीं नहीं, प्लीज किसी को मत बताना। यहाँ किसी को पता चल गया कि इंदिरा की प्रेगनेंसी रिपोर्ट झूठी थी तो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। और तेरे कहने पे उसे पैसे खिलाकर उसे ये यकीन दिलाया कि उसने कंसीव पागल खाने में ही किया था, और उसे तेरे रचे सारे खेल पर यकीन हो गया कि वो ऋषि का नहीं किसी और का बच्चा कैरी कर रही है। अल्लाह मुझे दोजख से बचाए, पर तेरे कहने से मैंने ये सब कुछ किया ताकि हम दोनों के दुश्मन इंदिरा का घर बर्बाद हो जाए। मार डालूंगी तुझे मैं। अल्लाह, मैं तो तेरी अपनी हूं ना, छोड़ मुझे। नहीं छोड़ूंगी मैं तुझे, नहीं छोड़ूंगी। ये मार्ग तो इंदिरा के माथे पे था। इंदिरा, ये तू है? इसका मतलब तू जारा बनके मुझसे तूने सारी बातें उगलवा ली। हालात चाहे जो भी होते, और आपके पेट में पल रहा बच्चा किसी का भी होता श्रीमती जी, तब भी मैं हर हालात में आपका ही साथ देता। सात जन्मों तक आपका साथ देने के लिए आपका हाथ थामूंगा, ना कि मुसीबत में छोड़ देने के लिए। चलिए अब मुस्कुरा दीजिए, सारी टेंशन खत्म हो गई है ना। चलिए मुस्कुरा दीजिए। देख लो भगवान, आपने मुझे चांदनी चौक तक इसलिए पहुंचाया था ताकि मैं हिटलर को हंसा सकूं। 9 साल बीत गए, आज तक वही कर रहा हूं। बस फर्क इतना है कि पहले हिटलर को हंसाने की कोशिश करता था और अब अपनी श्रीमती जी को। ये मोती 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 मोती, ये क्या कर रही हो आप? अरे अगर ये मोतियों की बरसात इसी तरह से होती रही ना, तो फिर दो चीजें होंगी श्रीमती जी। पहली ये कि यमुना नदी में बाढ़ आएगी, और दूसरी ये कि हमारा चीकू हंसते हुए पैदा होगा। सॉरी, तू तेरा तो आज खेल खत्म कर। छोड़ दीजिए उसे। अरे श्रीमती जी, इसको छोड़ दिया ना, किसी और के घर में जाकर के तमाशे करेगी।
कुछ ना कुछ बर्बाद करेगी उनका। ऋषि, आप मुझे जानते हैं ना, किसी को भी सजा देने से पीछे नहीं हटती मैं, लेकिन आज मुझे किसी को सजा देने का मन नहीं कर रहा। और देखिए ना इसे, इसे देखकर साफ साफ लग रहा है जैसे जैसे इसे अपनी गलती का एहसास हो गया। हाँ, इंदिरा ठीक कह रही है, मैं बहुत शर्मिंदा हूं, मैंने आप लोगों का इतना दिल दुखाया है, आप लोगों से मैं माफी की भीख मांगती हूँ। आप लोगों के बददुआ लेकर मुझे दोजख में नहीं जाना है। आज तक मैंने जो कुछ भी किया सिर्फ अपने बारे में सोचकर किया, क्योंकि मेरे बारे में सोचने वाला दूसरा कोई नहीं था। इंदिरा प्लीज मुझे माफ कर दो। चांदनी चौक के जितने भी लोग हैं ना, वो पराए नहीं होते। एक बार तो विश्वास करके देखती, और मुझे पता है जारा ने तुम्हें इस्तेमाल किया, और तुमने जो कुछ भी किया उसके कहने पर किया। मुझे तुमसे कोई शिकवा नहीं, और आप भी सुन लीजिए, ये वही मेहर है जो अपने भाई मलिक के खिलाफ खड़ी हुई थी, और कभी कभी जारा के खिलाफ भी। जाओ, मैं शर्मा निवास ने माफ किया तुम्हें, लेकिन मैं तुम्हें यहां रोक नहीं सकती। मेरा मतलब है तुम्हारी और इस घर की तकदीर मिलती नहीं है, इसलिए ध्यान रखना अपना। अब क्या हो गया, अब क्यों मुंह फुला रखा है, क्या बात हो गई अब श्रीमती जी? कितने इल्जाम लगाए थे जारा ने मुझ पर, और आपने एक पल भी मुझ पर शक नहीं किया। अपनी मोहब्बत पर शक करना अपनी मोहब्बत को गाली देना होता है श्रीमती जी, तो मैं अपनी मोहब्बत पर शक कैसे कर सकता हूं? ये क्या है? आज मैं आपको परमेश्वर का दर्जा देती हूं। शादी के वक्त आपने जितने भी सातों वचन लिए थे, उन सब वचनों को आपने बहुत अच्छी तरह निभाया, और मैं अपने ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगी ऋषि, इस सातों जन्म आप ही मेरे पति के रूप में मुझे मिले।
तो क्या चला जाए? मिनट भी नहीं, नहीं तो एक बाल्टी पानी डालूंगी। पता है, मैंने कल रात को एक बहुत प्यारा सा सपना देखा। मैंने देखा कि आपने मुझे अपनी पलकों पर बैठा रखा। सपना नहीं, सच था। अब उठिए। वो सपना नहीं था तो फिर ये सपना है। देख लो ना, रात को प्यार, सुबह हिटलर का प्रहार। ये लीजिए और चुपचाप नहा धोकर तैयार हो जाइए। पता नहीं कौन आ गया सुबह सुबह। जब से हुई है शादी आंसू बह रहा हूं, आफत गले पड़ी है उसको निभा रहा हूं। जब से हुई है शादी। पति पत्नी के साथ की कीमत जानना बहुत जरूरी होता है, और मुश्किलें किस घर में नहीं आती। इसका मतलब ये तो नहीं ना कि मुश्किलों से डर कर अपनी जान ही दे दे, जीना छोड़ दे। तलाक लेना बहुत आसान होता है, लेकिन कभी उसके बाद की जिंदगी के बारे में सोचा है? कोई भी इंसान बिखरी हुई जिंदगी जीना नहीं चाहेगा। और ये सब मैं तुम लोगों का घर तोड़ने के लिए नहीं कह रही, बल्कि जोड़ने के लिए कह रही हूं। और एक बात बताओ, अपनी शादी को क्या मजाक समझ के रखा है? कान खोलकर सुन लो, विश्वास ही इस बंधन की नींव होती है। और तुम ही शक करते हो ना अपनी बीवी पर? इसने तो आज तक तुम पर शक नहीं किया। शादी के वक्त तो शान से बड़े बड़े कस्में खाई थी। सही कह रही हैं मेरी श्रीमती जी। अरे भैया, जब विश्वास ही नहीं है तो शादी के मायने क्या? देखो, एक औरत के चरित्र पर कीचड़ उछालना बहुत बड़ा गुनाह है, और खास तौर पर तब जब वो औरत तुम्हारी बीवी हो। तुम्हारी सजा ये है कि तुम अपनी बीवी के पैरों में गिरोगे और उससे माफी मांगोगे। उसके बाद आइंदा उस पर शक कभी मत करना। चलो। नहीं नहीं, ये आप क्या कर रहे हो दीदी? ये मेरे पति है, इन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया वो ही काफी है। पति तो औरत का अभिमान होता है, कोई अपने अभिमान को यूं कदमों पर झुकाना नहीं चाहती। इनकी सजा माफ कर दो दी। सुना मिस्टर, क्या कह रही है तुम्हारी बीवी? अगर पति बनना है ना तो मेरे पति की तरह बनो। प्यार की जीती जागती मिसाल है वो। मैं चाहे जितनी भी गलतियां क्यों ना करूं, वो हमेशा मुझे माफ करते हैं, और हमेशा उनका प्यार और विश्वास मुझ पर कायम रहा है। जितनी भी मुसीबतें क्यों ना आई मेरी जिंदगी में, उन्होंने मेरा हमेशा साथ दिया और कभी मुझ पर शक नहीं किया। इसलिए अगर तुम अपनी बीवी से माफी मांगना चाहते हो तो इसका साथ कभी मत छोड़ना, हमेशा इसके साथ रहना और इस पर शक कभी मत करना।